दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिस्टल टैरो कार्ड रहस्य। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। भारत के तेजी से उभरते बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सोमवार को फरवरी महीने के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने महिलाओं में यह सम्मान हासिल किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में मैच विजयी 80 रन की पारी खेली थी और फिर तीन मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के अंतिम मैच में 16 गेंद में तेजी से 25 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में उनका प्रदर्शन इससे भी बेहतर रहा, जिसमें उन्होंने तीन मैचों की 204 रन जोड़े और वह तीन पारियों में एक बार भी आउट नहीं हुए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 174.36 रहा। उन्होंने तीन मैचों में नाबाद 57, नाबाद 74 और नाबाद 73 रन बनाए। इससे उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस खिलाड़ी की यह फॉर्म इस महीने भी जारी रही। भारत ने श्रीलंका की दूसरी पारी को तीसरे ही दिन समेटकर गुलाबी गेंद से खेला गया दूसरा क्रिकेट टेस्ट 238 रन से जीतकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। दो टेस्ट में जीत से भारत को 24 अंक मिले, लेकिन रोहित शर्मा की टीम प्रतिशत अंक कम होने के कारण विश्व चैंपियनशिप तालिका में 5वें स्थान पर बनी हुई है। भारत के 77 अंक है। जीत के लिए 487 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ने तीसरे दिन के शुरुआती सत्र में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन और आसमान उछाल लेती पिच पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करना उनके लिए मुश्किल था। कल के स्कोर के एक विकेट पर 28 रन से आगे खेलते हुए श्रीलंकाई टीम के लिए दिमुत करुणारत्ने ने 107 रन बनाए। श्रीलंका की टीम चाय के बाद दूसरी पारी में 208 रन पर आउट हो गई। बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणारत्ने ने अपनी 14वां टेस्ट शतक जसप्रीत बुमराह को चौका लगाकर पूरा किया। खेल समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे चार मॉडल्स, काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जम्बो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग स्पेशियस एंड सुपीरियर ई रिक्शाज, लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। विजिट अस एट चिटनी स्पार्क स्क्वायर, रुईकर रोड, महल, नागपुर। कॉन्टेक्ट अस 9096654447। सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट। वी नो दैट लाइफ इज डिफरेंट दीज डेज। We are with you every step of the way, from routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 937-311-1709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए
आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NADP सैंक्शन्ड। हमारा पता, प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712-2295-365 और 7447-443370 एंड 7745042520। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत, देखते हैं अगली खबरें। नकुदर में सोमवार शाम कुछ अज्ञात हमलावरों ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल को गोली मारकर हत्या कर दी। मल्लिया कला गांव में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान चार हथियारबंद हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाई। संदीप के कुछ दोस्तों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक है कि कबड्डी खिलाड़ी को 8 से 10 गोलियां मारी गई। पुलिस के अनुसार मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन ने सोमवार को यह चयन ट्रायल फाइनल्स जीतकर चीन के हांगझोऊ में इस साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम में अपना स्थान सुनिश्चित किया। जरीन ने यह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए ट्रायल्स के बाद 51 किलोग्राम वजन वर्ग में, जबकि बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम स्थान पक्का किया। दोनों ने पिछले हफ्ते विश्व चैंपियनशिप के लिए भी टीम के में जगह बनाई थी, जिसमें जरीन ने ट्रायल्स में 52 किलोग्राम वर्ग के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि बोरगोहेन ने 70 किलोग्राम में कट हासिल किया। इसी के साथ खेल समाचार में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।